मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी टीचर नीलम सिंह और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। चलिए आइए देखते हैं कि ओ की मात्रा किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए ये कौन सा अक्षर है, ओ। कौन सा अक्षर है, ओ। और ओ की मात्रा लिखने के हम क्या करते हैं, एक सीधी खड़ी रेखा के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो मात्रा होती है ये अक्षर के ऊपर नहीं लगती बल्कि इसको एक सहारे की जरूरत होती है, तो इसके लिए एक सीधी खड़ी रेखा और उसके ऊपर ये मात्रा आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, ढोल। अब ये आपका ढ अक्षर है, ढ अक्षर के साथ देखो एक सीधी खड़ी रेखा और इसके ऊपर मात्रा, तो ये होती है ओ की मात्रा, ढो ल ढोल। ये आप देख रहे हैं चित्र, इसको कहते हैं ढोल। इसी तरह से मो र मोर, घो ड़ा घोड़ा, को य ल कोयल। कोयल एक छोटी सी चिड़िया होती है और उसकी आवाज बहुत मीठी होती है। इसी प्रकार से आगे के शब्द देखिए, कोट तोता, टोपी, वेरी गुड, शोर छोटा, गोभी, गोल बोली, कटोरी, गोद होली टोकरी, जोश धोबी ढोलक, होश मोती समोसा। ठीक है बच्चों, आप ये जो देख रहे हो ना, ये अक्षर के साथ ये जो लाल रंग की मात्रा लगी है, ये किसकी मात्रा होती है, ओ की मात्रा। वेरी गुड बेटा। चलो अब हम एक ये छोटी सी कविता पढ़ते हैं। ठीक है, होली आ गई, ठीक है, रोमी पिचकारी लाई, सोहन गुलाल लाया, मोहन ने पिचकारी भरी, सबने खूब मजा किया, बाद में सारी टोली ने गुजिया खाई, ढोल बजा बजा कर सब नाचे। जब होली आते है तो आप भी मजे करते हो ना, एंजॉय करते हो, आप रंग लगाते हो, गुजिया खाते हो, है ना, ढोल बजाते हो, तो इसी तरह से ये दिया गया है। बच्चों ये जो चित्र है आपको इनके नाम पूरे करने हैं, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं मगर उसमें मात्रा नहीं लगाई गई है, आपको स्वयं से देखना है कि मात्रा कहाँ पर आएगी और कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोयल की टोकरी। ठीक है, ये एक छोटी सी कहानी है बच्चों, आपको पता है कहानी आपको भी आनी चाहिए ना, तो आपकी किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दी गई हैं, तो ये भी एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, और ये किसकी कहानी है, ये एक घोड़े की, तोते। देखो इसमें कौन कौन से पशु पक्षी हैं, घोड़ा तोता, है ना, और ये कौन है देखो, कोयल, और ये खरगोश। ठीक है, तो चलो कहानी देखते हैं कि कहानी क्या है, कोयल की टोकरी। कहानी का क्या नाम है, कोयल की टोकरी। ये कोयल है और ये इसकी टोकरी है, लेकिन ध्यान से देखो टोकरी को कौन लेके बैठा है, खरगोश लेके बैठा है, और देखो टोकरी में कुछ रखा भी है। इसका मतलब खरगोश ने कोयल की टोकरी चुरा ली। चलो कहानी पढ़ते हैं, कोयल की टोकरी। देखो क पे ओ की मात्रा, कोयल कोयल। इसी प्रकार से देखो ट में ओ की मात्रा, टोकरी टोकरी। ठीक है, एक तोता था, देखो तोता, एक तोता था, उसकी मित्रता, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, जैसे आपकी आपके फ्रेंड्स के साथ होती है ना दोस्ती, वैसे उसकी मित्रता एक घोड़े से थी, दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। क्या खेलते थे, होली खेलते थे। एक कोयल भी होली खेलने आती थी, एक कोयल थी वो भी वहां पर होली खेलने आती थी। वे एक टोकरी में एक पोटली लाती थी, जो कोयल थी वो एक टोकरी में एक पोटली लेके आती थी। पोटली किसे कहते हैं पता है ना, हम किसी भी थोड़ी सी चीज को किसी चीज पेपर या कपड़े में बांध के रखते हैं, उसको पोटली कहते हैं। पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। एक बार वह एक खरगोश ने टोकरी देखी, ठीक है, एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी, उसने टोकरी चुरा ली। ये देखो खरगोश के पास टोकरी है ना, तो इसने क्या करा, इसने कोयल की टोकरी चुरा ली। दोपहर हो गई, दोपहर का अर्थ होता है बच्चे दिन, ठीक है, दोपहर हो गई, तोता घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए।
करने लगे। तलाश का अर्थ होता है ढूंढना, खोजना, ठीक है। तो वो सब ये तीनों मिलकर टोकरी को ढूंढने लगे। कोयल को टोकरी मिल गई, खरगोश को सजा मिली। किसने चुराई थी? खरगोश ने। तो जो गलती करता है उसको सजा तो मिलती है ना। कोयल बहुत खुश हुई, सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। तो ये छोटी सी कहानी है बच्चों, आप लोगों को ये कहानी पढ़नी है, खुद से पढ़नी है। और कैसे पढ़ेंगे? एक उंगली रख रख के, ठीक है, आप शब्दों पे उंगली रखेंगे और फिर बोल कर पढ़ेंगे, क्योंकि बोलने से क्या होता है, वेरी गुड, हमारा उच्चारण सही होता है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। ये एक कविता है, अभी हमने बताया था ना कि कहानी कविता कितने अच्छे लगते हैं, और आपकी किताब में तो बहुत सारी कहानी कविताएं हैं। तो आपको एक और कविता मिल गई, इसका नाम है चोरी छोड़ दी। चोरी करना गंदी बात होता है ना, अभी अभी खरगोश ने चोरी की थी, है ना, तो उसको सजा मिली थी। अब ये चोर है तो इसने चोरी छोड़ दी। अब कैसे छोड़ी, चलो इसमें पढ़ते हैं। एक चोर था तगड़ा सा, तगड़ा सा, ठीक है, एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था। चोरी करेगा तो झगड़ा तो होएगा ही ना, तो सबसे उसका झगड़ा था। चोरी उसका काम था, सोहन उसका नाम था। ये जो चोर है, आप चित्र देख रहे हैं ना, ये चोर का क्या नाम है? सोहन। ओ सो, ओ की मात्रा, ठीक है, सोहन। देखकर चोर खुला दरवाजा, ठीक है, जब चोर ने देखा एक जगह पे दरवाजा खुला था, देखकर चोर खुला दरवाजा चोरी करके सरपट भागा। उसने देखा कि अरे घर का दरवाजा तो खुला है, चलो चोरी कर ले। वो फटाफट गया, उसने चोरी करी और सरपट मतलब तेजी से भाग गया। ठोकर फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज सेठ था जागा। अब जैसे वो भाग रहा था तेजी से, उसको क्या हुआ, उसको ठोकर लगी। किससे? वहां कोई बर्तन रखा होगा तो उसे बर्तन से ठोकर लगी। और सुन आवाज सेठ था जागा। अब उस घर में सेठ, जो उस घर का मालिक था, वो सो रहा होगा, तो जैसे ही आवाज आई वो मालिक फौरन से जाग गया। बोला चोर की दे दो माफी। अब चोर ने क्या बोला सेठ को, कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफी दे दो। सेठ ने उसको दे दी माफी। ये जो सेठ था ये अच्छे दिल का इंसान था, ठीक है, अच्छे मन का इंसान था, तो उसने क्या करा, उसने भी चोर को माफ कर दिया। उन्होंने बोला जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफी, ठीक है। अब ये जो चोर था ना, ये दिल से अच्छा व्यक्ति होगा, तो उसे लगा कि उसने गलत काम किया है, तो जब सेठ ने उसको माफ कर दिया तो उसने अपने मन में क्या सोचा कि आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। बच्चों ये आपका जो कार्य है आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। आप जो भी आपका पाठ है आप उस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो आपको कार्य दिया गया है, चोर कैसा था, चोर का क्या काम था, चोर का क्या नाम था, सेठ के माफ करने पर क्या हुआ, आपके जो भी आपके अभ्यास कार्य में दिया गया है आप उसको ध्यान से करेंगे। बच्चे मैं फिर बोलूंगी, पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है और उंगली रख कर पढ़ना है कि आप कहाँ पढ़ते हैं। दूसरी बात, आप इसको जोर से बोल के पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारे कान उसे सुनते हैं, और जब हमारे कान उसे सुनते हैं तो वो बातें हमारा जो दिमाग होता है वो उसको पकड़ लेता है और फिर हमें भूलने नहीं देता। और इससे और क्या होता है, वेरी गुड, हमारा जो उच्चारण है वो सही होता है। ध्यान से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से इसको लर्न कीजिए, और आपके चैप्टर को, आपको जो भी सिखाया जाता है आप क्या करेंगे, हाँ आप उसको दो बार पढ़ेंगे। थैंक यू।